गुड क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत सारे बहुत सारे। सर मैं उसको मद्देनजर रखा हूँ जी, बिल्कुल मैंने इसको मद्देनजर रखा था। मैं इसका हल भी बताता हूँ आपको, इसका हल भी एंड में देता हूँ। अच्छा दूसरा सर जो इसका आइडिया, दूसरा जो इसका आइडिया जो आपसे शेयर करूंगा वो है कंपनसेशन एंड अनकंपनसेशन। कंपनसेशन दरअसल झूठी फितरत है, स्यूडो नेचर, इसको मैंने जो समझ के जो नाम दिया इसको। कंपनसेशन एक स्यूडो नेचर है, झूठी फितरत है, ये एक ऐसी हालत है जो कि असलियत नहीं है। इंसान जरूरत के मुताबिक और हालात और वाकयात के पेश नजर खुद को ढाल लेता है, यानी कंपनसेट कर लेता है, और इस तरह का रवैया इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। इस हालत को अडॉप्ट करना किसी भी फर्द के लिए मुश्किल होता है, मगर ऐसा करना उसकी मजबूरी होती है या वक्त का तकाजा होता है। मसलन एक प्रोफेसर जो कि रस्टॉक्स है, ये लिखते हैं सनकारनब, एक प्रोफेसर जो कि रस्टॉक्स है और उसकी टांगों में बेचैनी है जो कि चलने से कम होती है, मगर उसको क्लास में बैठकर लेक्चर देना है तो वो एक टांग को दूसरी टांग पर दबाकर क्रॉस लेग बैठेगा। इस तरह बैठना कंपनसेशन है, मतलब हालात और वाकयात जो हैं वो इसका तकाजा करते हैं, वो चल 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 फिर तो नहीं सकता, उसको अब बैठना पड़ेगा। अब बैठने के लिए वो क्या कर रहा है कि इसको दबा रहा है ऊपर से, वो अपने आप को कंपनसेट कर रहा है इस सिचुएशन को। अब उसको निमटना भी है इस हालात से, वहां पर लेक्चर भी देना है जो कि इसके लिए मुश्किल है, मगर हालात का तकाजा यही है और मजबूरी इसको ऐसी सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढालना, मतलब इस मजबूरी में इसको खुद को हालात के मुताबिक ढालना ही पड़ेगा। सल्फर की मरीजा गंदी होती है, ये सर ने एक दफा बात की थी, मैंने सर की बात को लिखा था। सल्फर की मरीजा गंदी होती है, नहाने से नफरत करती है और मैली कुचैली रहती है, मगर जब वो डॉक्टर साहब के पास चेकअप के लिए आएगी तो नहा धोकर और खूब मेकअप लगाकर घर से निकलेगी कि एक निगाह देखने से प्लाटिना मालूम होगी। मगर ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि ये उस खातून की कंपनसेशन है, यानी ये खातून की बुनियादी फितरत नहीं है बल्कि मजबूरी है। अनकंपनसेशन बुनियादी फितरत होती है इंसान की, और कंपनसेशन जो है उसकी आप कह लें कि असलियत नहीं है, वो उसकी असल फितरत नहीं है। केस टेकिंग के दौरान कंपनसेटिव स्टेट और अलामत पर दी गई दवा दुरुस्त नहीं होती। मसलन जब हम किसी को पल्सा टीला समझ रहे होते हैं तो वो हकीकी मानों में बाज़ुकात पल्सा टीला नहीं होती। ये डॉक्टर साहब को मैं तजर्बा करा दिया, मैं आपको बताता भी हूँ। हमें मरीजा की अनकंपनसेटेड स्टेट यानी बुनियादी फितरत को जानने की जरूरत है ताकि केस टेकिंग में की जाने वाली कॉमन गलती से बचा जा सके और मरीज के लिए दुरुस्त होम्योपैथिक दवा का इंतखाब किया जा सके। हाँ जी, ये हम आपको बिल्कुल एक केस देंगे, डॉक्टर साहब के सामने हुए और मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। दूसरे लब्जों में आप यूं कह लें कि मरीज की पोशीदा शख्सियत जानना एक मियारी केस टेकिंग का तकाजा है। अनकंपनसेटेड स्टेट को मैंने लिखा कि पोशीदा शख्सियत, जो छुपी हुई है, जो छुपाई गई है। इंसान की फितरत है कि वो अपनी खूबियां तो बयान कर देता है मगर खामियां बयान करने से इजतनाब करता है और अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करता है, जो कि केस टेकिंग में दुश्वारी पैदा करता है। हनीमन अफोरिज्म नंबर 6 में ऑब्जेक्टिव अलामात की अहमियत पर जोर देते हुए लिखते हैं कि मरीज के लवाहकीन से भी मरीज की अलामात ली जाएं ताकि मर्ज की दुरुस्त तस्वीर कशी की जा सके। दरअसल जब हम मरीज के लवाहकीन से मरीज की जहनी व जिस्मानी हिस्ट्री लेते हैं तो वो अक्सर मरीज की बताई हुई हिस्ट्री के बरक्स होती है। ठीक है, यहाँ पर हनीमन का दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि अनकंपनसेटेड स्टेट को ही जानना मकसद है। तो मेरे क्लिनिक पे एक खातून आई है, इनके सारे बिला अपना इजहार साहब के
सर हैं, एमए इंग्लिश हैं, उनकी वालदा को पिट्ठी में पथरी और दर्द बहुत शदीद था। उन्होंने होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयां ली, एलोपैथी की ली, लेकिन डॉक्टर ने कहा इनका पिता ही निकलवा दें आप, अब ये ठीक नहीं हो सकता। तो जब वो मेरे पास लेके आए हैं इनको, तो ये इजहार साहब वहां पर मौजूद थे, तो हमने उनकी केस टेकिंग की है, ये केस टेकिंग में बैठे हुए थे, ठीक है ना। ये केस मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको इनका बता रहा हूँ कि ये आपको ऑथेंटिक हो जाएगा एक बात कि वाकई बंदा आपको तस्दीक भी कर रहा है। तो उसमें मैंने उनकी अलामत ली है, तो वो मुझे बीबी जैसे अलामत दे रही थी, बिल्कुल मुझे ऐसे शो कर रही थी जैसे वो पलसा टीला है, इतनी शफीक, नरम लहजा, बात करने का अंदाज और बताने का अंदाज, बच्चों की बड़ी वो केयरिंग है, बड़ा ख्याल रखने वाली है सबका। जब मैंने उसको कहा माँ जी आप जरा बाहर बैठे, उनके बेटे से अलग मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बताया कि जी ये बहुत ज्यादा डिक्टेटर टाइप खातून है और ये जो बता के गई है ये सब कुछ ट्रू नहीं है, बहुओं से इनके मसले मसाइल रहते हैं, ठीक है, तो असल सास है वो। तो फिर मैंने उनको बुलवाया वापस, तो मजीद अलामात ली मैंने, तो वो अलामात सारी की सारी लाइको से टैली कर रही थी। पेशेंट लाइको था, देखने से शो हो रहा था जैसे वो पल्स है, ठीक है ना। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि खोजी बनना पड़ेगा, हमें खोज भी लगाना पड़ेगा। हनीमन ने ये कहा कि उसके रिश्तेदारों से भी आप जो हिस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है मैं आपके सामने बहुत जहीन फतीन आदमी लग रहा हूँ, बड़ा पोलाइट लग रहा हूँ, लेकिन मैं घर में ऐसा ना हूँ। ये जो मेरी, जी जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर मैं, ये जो यहाँ मेरी स्टेट है ये कंपनसेटेड है, हो सकती है, ठीक है ना। और ये अनकंपनसेशन डॉक्टर साहब ने कहा था कि सल्फर को देखना, तो उसके घर जाके देखें फिर आपको पता चलेगा कि सल्फर क्या है। दरअसल उनका मकसद यही था बात करने का कि उसकी अनकंपनसेटेड स्टेट को देखना। तो ये तो वो केस था। दूसरा, सनकारन ने यहाँ पर ये कहा है कि लाइको हमेशा पसंद करता है कि उसकी शादी पलसा टीला से हो जाए, इसलिए कि पलसा टीला उसकी बातें सुन लेगी, क्योंकि वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रखता है, वो चाहता है कि मेरी बातें, मेरा मातहत कोई हो सुनने वाला, तो बीवी के सिवा तो कोई होता ही नहीं है जो बात को सुने। तो कहते हैं कि होता यह है कि उधर पलसा टीला की भी कुछ मजबूरियां हैं, वो ये कि वो जो है डिपेंडेंट होती है, और यहाँ पलसा की एक और मजबूरी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, जब वो डिमांड करती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरी नहीं कर पाता, तो कई तरह के मसले भी जन्म लेते हैं, लेकिन फिर ये सोचता है कहीं मेरा घर तबाह ना हो जाए, कहीं तलाक तक बात ना पहुंच जाए, फिर वो क्या करता है कि उसकी जरूरियात को पूरा करना शुरू कर देता है, उसकी बातें मानना शुरू कर देता है। बीवी से पूछे तो वो कहेगी बड़े केयरिंग है, सारे काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, लेकिन भाई वो अपनी मजबूरी से कर रहे हैं, ये उनकी बेसिक नेचर नहीं है। अगर आप केयरिंग की रूब्रिक ले लेंगे तो ये कभी आपका पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, ये आपका जो मरीज है वो कभी भी जो है वो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। मतलब आपने उसकी जो है अनकंपनसेटेड स्टेट को जानना है। मेरे पास एक बाबा आया, उसको जो है ना मैंने पूछा जी क्या मसला है, कहता है यहाँ पर जलन होती है, मुझे बर्निंग है इस फेसिस में। मैंने उनके सिम्टम लिए, तो बाद में लेने के बाद, क्योंकि मैं संकारण को पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं क्यूरियस हूँ चीजों को जानने के लिए, मैंने उनसे पूछा बाबा जी आपको गुस्सा भी आता है, गुस्सा आता है? तो उसने कहा कि जी मुझे जो है ना वो गुस्सा आता है। तो मैंने कहा किस पे निकालते हैं? कहते जी अपनी बुढ़ी से करना होर के पे करी। तो मैंने कहा जी क्यों, आपके बेटे हैं, आपकी बहुएं हैं? कहता ना जी ना, बहुओं को नहीं कहता मैं, वो हम उसको कुछ थोड़ा सा कह दिया तो फाड़ लो हो जाती है, ये उसके अल्फाज थे। मतलब ये था कि जिन पे वो डोमिनेट था वो गुस्सा निकालता था, लाइको दी है तो वो ठीक हो गया। इसी तरह जब कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, खवातीन आती हैं बच्चों को लेके, बच्चों की अलामत भी छुपाती हैं। जैसे अभी मैडम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनेगी, इनको जब मैंने इस टैमरिंग के केस में सर पूछा है कि आपका बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबल है, तो उसने कहा जी मेरा बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मैं इसको जो कहती हूँ ये वो कर देते हैं और बड़ा ही जिम्मेदार बच्चा है। तो जब मैंने दो चार इधर उधर की अलामत पूछ कर बच्चे को मैंने पूछा कि बेटा आप बताएं आपको गुस्सा किस चीज पे आता है ज्यादा, वो कहते हैं जी मम्मा जब मुझे दुकान पे भेजती है सौदे के लिए। देखे ना, अब वो भाग रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी से और माँ कहती है कि जो है बच्चा जो है वो मेरा रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा फिर क्या करते हैं?
ये मैंने कहा चला जाता है, कहती हाँ चला जाता है, ये सौदा ले आता है फिर। मतलब जब फोर्सफुली हम इसको जो है डालते हैं इस पे कोई काम, ये कर भी बड़े अहसन तरीके से देता है, लेकिन ये कतरा रहा होता है जिम्मेदारी से। ये भी सिम्टम था उस टैमरिंग के केस में। देखें अब जो पिक्चर है वो कोई बंदा भी छुपा रहा है, वो माँ बाप छुपा रहे हैं, वो खुद पेशेंट छुपा रहा है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर का टास्क कितना होना चाहिए, उसको कितनी माइन्यूट सोच रखनी चाहिए अपनी, और कितना जो है वो उसको जो है ना किस खोजी टाइप डिटेक्टिव टाइप इंसान होना चाहिए कि आप कहाँ से बातें निकालेंगे। तो ये जो दो बेसिक आइडियाज आपसे शेयर किए हैं मैंने अभी इनको पढ़ा है, इंशाल्लाह जैसे जैसे इनके मैं आइडियाज को पढ़ता गया मैं वो भी यहाँ पर शेयर करूंगा। इसकी कॉपी जो है ना मैं आप सबको वो एक एक कॉपी दे दूंगा। पाता क्यों है, कभी ये तो किया कि मुझे पाता क्यों है, घर वाले पाते क्यों है? सर वो देखें हम अपनी खूबियां तो बड़ी दलेरी से बताते हैं ना, खामियां तो नहीं बताते। बच्चे की बेइज्जती होगी, बच्चे की इंसल्ट होगी, माँ ने कहा जी, वो खुद डॉक्टर भी है हालांकि। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखे ना वो सारी क्लास